बताइए कैसा अनुभव हो रहा है इस फिल्म से जुड़कर? हर फिल्म से जुड़कर अच्छा अनुभव हो रहा है, हर फिल्म इम्पोर्टेंट है मुझे बड़ा पसंद है। तो किस तरह किरदार निभाने वाले हैं, क्या पृष्ठभूमि में क्या कहानी किस फिल्म की है? ये प्रेम कहानी है, स्टोरी बड़ी बनी हुई है, लेकिन आगे मैंने भोजपुरी फिल्म में तो क्या आपका नजरिया है, आपके जमाने कितना फॉलो करते हैं, कौन से स्टार्स हैं जिससे प्रभावित हुए हैं इस इंडस्ट्री में? सभी के सीनियर अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कोई जिसका अच्छा काम होता है उसे देखते हैं सीखते हैं, जो भी सीनियर कोई पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अच्छा काम करते हैं जिनका भी अच्छा काम होता है उसे देखते हैं उसे सीखते हैं। संजीव भाई फिल्म का नाम है प्रेम तपस्या, आपने कभी तपस्या किया प्रेम के लिए? देखो नहीं, अभी तक तो प्रेम के लिए कोई तपस्या नहीं की, तो कोई अभी दिल में नहीं आई है? ख्यालों में कुछ तो बताइए, आती है नहीं आती? अभी ऐसा कुछ नहीं होगा तो बताऊँगा। इस सिनेमा से जुड़े और कुछ बताना चाहेंगे? मेरी एक फिल्म आई थी अभी बद्रीनाथ, उसका ट्रेलर देखने के बाद जो फिल्म का डायरेक्टर था उसने केस मेरे सिलेक्ट किया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे काम को देख करके मुझे काम मिला, मेरी कोशिश से किया गया। ये बहुत अच्छे इंसान है एंड बहुत माइंडियल इंसान है, तो इनके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम तपस्या की बात की जाए तो फिल्म के बारे में बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म तपस्या के बारे में ऐसे तो सबको ही बोलते हैं कि एक नई मूवी है, एक अलग मूवी है, तो इसमें जो भोजपुरी से थोड़ा सा मैंने भोजपुरी है बट पूरा पूरी मैं वो नहीं बोलूँगी कि मैंने सब कुछ वो से जैसे मसाला वो सब रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं रहेगा जितना एक फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, तो इस मूवी में आप लोगों को वो देखने को मिलेगी। किस आगे बताना चाहेंगे किस तरह किरदार है इसमें आपका? ये भी डायरेक्टर ज़्यादा बोल पाएंगे अच्छा से, अनुवाद छुपा के रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा सस्पेंस। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी टीम की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? वही मैं बोली पहले ही कि एक नई टीम के साथ मैं जुड़ने जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके, जिसमें हमारे डायरेक्टर सर उधर खड़े हैं उनको भी बुला लेते तो अच्छा रहता, तो हमारे डायरेक्टर है जो राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र वर्मा जी, हाँ तो हमारे डायरेक्टर है राजेंद्र वर्मा जी, तो उनके साथ मैं पहली मूवी मेरी, और मेरे हीरो जो है बगल में संजीव जी, इनके साथ भी मेरी पहली मूवी है, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा हम लोग अच्छा करेंगे पूरा टीम मिलके, बहुत अच्छा करेंगे। आपकी फिल्म में कौन कौन से आने वाले हैं अब तक करके? जी मेरी दो मूवी है अभी मार्केट में, एक राधे जो रवि किशन जी एंड कल्लू जी के साथ है जो बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के सामने, एंड और एक है गोलू जी के साथ, उनका नाम है मिली तो मिली ना तो जय सियाराम। और क्या कहना चाहते हैं, सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। 2019 में मैं मूवी का शूट की बब्बर की, मेरा फर्स्ट मूवी, एंड मैं सेकेंड मूवी करने जा रही हूँ प्रेम तपस्या था, आगे भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मैं करने जा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ मीडिया के सामने नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा सस्पेंस। संजीव जी नए साल की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत कैसा रहा आपका? अच्छी शुरुआत रहा और नए साल पे मेरे लिए तो अच्छा रहा क्योंकि मेरी फिल्म का जो है आई, मेरा काम देखने को मिला, तो मेरे लिए तो अच्छा रहा। और नया पुराना फल क्या है, आप अच्छा काम करें तो ही नया फल। खुशी हो रही है इसके हीरो संजीव मिश्रा जी और भावनी घोष ये दोनों इसमें काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है जैसे किसी ज़माने में अनिल कपूर की फिल्म तपस्या बड़ी हिट हुई थी राजश्री प्रोडक्शन की थी, और शायद ये प्रेम तपस्या उससे भी ज़्यादा हिट मेरी शुभकामना। सर नेक्स्ट फिल्म क्या आ रही है काजल की? हाँ मेरी फिल्म अभी जस्ट कंप्लीट हुई है काजल, जिसमें आदित्य मोहन और काजल यादव, और फिल्म कम्प्लीट हो गई है, दो गाने हैं, तो अभी 23 तारीख को काजल राघवानी का एक सॉन्ग है, और फिर 4 तारीख को छापों वाली द्विवेदी बस एडिटिंग टेबल पे है, एडिटिंग भी लगभग कम्प्लीटेड है, बहुत जल्द फिल्म आप लोगों के सामने आएगी। क्या ये मार्च अप्रैल में जब बच्चों की छुट्टी जब होती है हम लोग लगाने के प्रयास में रहेंगे, कि एग्जाम जो होता है उसके बाद पावर स्टार बहुत एक्शन पोस्टर जो क्या इसके बारे में बहुत सारे नहीं, ये फिल्म तो खैर हिट हो गई, प्रेम तपस्या नाम बहुत पसंद है,
थोड़ा थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, उसमें जो है तो कन्या राशि है, वो तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। अनिल गांवले की जाने गए मेकर ऑफ तपस्या, आज ये प्रेम तपस्या है। और मोहिनी घोष बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, संजय मिश्रा की मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि सुपर प्रेम उस प्रेम को हम ईश्वर से जोड़ते हैं, अपने दोस्त से जोड़ते हैं, आई बहन से जोड़ते हैं या अपने मित्र से जोड़ते हैं। सब लोग से प्रेम तपस्या इसमें तो जो लग रहा है कि प्रेम तो लव स्टोरी वैसे जैसी लग रही है, लव स्टोरी वाली है प्रेम तपस्या। तपस्या करने के बाद तो सबको प्रेम नहीं होता सबको, किसी को भी जो भी काम मिलता है बहुत तपस्या के बाद काम मिलता है, उसके बाद बस तपस्या ही है, तपस्या ही तो है सब। और ये हम सब का प्रेम है अपने ग्लैमर के प्रति, अपने फिल्मों के प्रति, सीरियल के प्रति। हम लोग इतना प्रेम करते हैं अपने काम से, हम लोग गांव समाज यूपी बिहार राजस्थान में जाने हर राज्य से आ सकते और यहाँ मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, जूते घिसते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये सब हमारा प्रेम ही तो है। और इतने प्रेम, इतना प्रेम करके, इतनी तपस्या के बाद जो हमें हासिल होता है उसकी प्रेम करते हैं। सबसे पहले मैं सारे अपने मीडिया के प्रणाम करना चाहूँगा। और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सोचो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त स्वच्छ सुंदर भारत बनाओ। और अभी 30 दिसंबर को मुझे उस फिल्म के लिए 105 देशों के अंदर विश्व रिकॉर्ड हुआ है, ग्रीनिच बुक में मैं गया हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। उस फिल्म को दूसरे नंबर पर पूरे 105 देशों में अवार्ड किया, बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जूरी अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं उसके बाद इस फिल्म को आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। ये फिल्म साफ सुथरी है, जैसे नदिया के पार आपने देखा है, मतलब परदेशिया देखा है, गंगा मैया भरदा शर्मा हमार जैसी फिल्मों को आप लोग देखते रहे हैं, उस भोजपुरी धरती से ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी है और पूरे परिवार के साथ इसको देखा जा सकता है। एक अजीब कहानी है, प्रेम में जो बल है वो कहीं नहीं है, प्रेम से किसी को जीत लिया जाए तो कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। इसलिए इस फिल्म का सारा जो भी कुछ है डिटेल एकदम साफ सुथरा है। और जो भोजपुरी को मतलब इस तरीके से लोग अभी कह रहे हैं कि मतलब भोजपुरी का जो कल्चर है इतना डाउन हो रहा है, बलगर आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है, सोच की जो है कमी है। मेरे साथ मेरे अपने बड़े भैया गुगरू जी हैं जो म्यूजिक के बादशाह हैं, संगीत की दुनिया में इनको एक मतलब मुकाम मिला है भैया का। आप हमारे साथ संजीव जी जो है भोजपुरी में एक बादशाह है, मैंने इनको फर्स्ट टाइम इनका जो बद्रीनाथ का टेलर देखा था तो मैंने निश्चित किया था कि मैं इनके साथ वर्क करूंगा। वैसे देखा जाए तो हीरो तो सारे लोग हैं इंडस्ट्रीज में, पर गिने चुने ही नाम लिए जाते हैं, जैसे रवि जी हैं, अपने नीरहू जी हैं, ये सब लोग हैं उस धरती से। हमारे सबसे परम जो है इसमें डीओपी जो है हमारे हीरा भैया जी, जो फर्स्ट टाइम हमको जाकर के आशीर्वाद उन्होंने हमारे गांव पे दिया। आपने बैठना चाहिए सर, बात की जाए संजीव मिश्रा जी की, जैसे आंखें कस्टम दिख रही हैं, एक अजय देवगन की आंखें बोलती हैं बॉलीवुड में, यहाँ इनकी आंखें बोलती, क्या कहने इनकी आंखों का कितना यूज करने वाले हैं आप? आंखों को मैं इतना यूज करने वाला हूँ कि इस भोजपुरी से निकल कर दुनिया के हर कोने में जाएंगे और संजीव मिश्रा का इनाम होगा ऐसा कुछ मैं इस फिल्म को लेने वाला हूँ। और इस तरीके से इनको यूज करने वाला हूँ, आंखों से जो एक्सप्रेशन है वो भोजपुरी में भी एक ऐसा आ जाए कौन आ रहा है, एक साउथ का लुक लेके ऐसा हीरो आ रहा है हमारे बीच। हम जो सभी लोग आप लोगों के माध्यम से, सारे भोजपुरी दर्शकों के माध्यम से, श्रोता के माध्यम से, मैं इनको लेके आज उतर रहा हूँ। इनके साथ में जो है लीड कर रही है मोहिनी घोष हैं और
अपने जो है भोजपुरी के बादशाह संजय पांडे जी हैं, जिनको मतलब आज हर फिल्मों में देखा जा रहा है, हर पोस्टर पे देखा जा रहा है, वो भी हमारे साथ हैं। और उसके बाद जो है मधु सिंह राजपूत हैं, जो है अपना पायल हैं, मतलब तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मतलब आप लोग ने देखा है। और ये पूरी तरह से एक बार आग्रह करूंगा भोजपुरी दर्शकों से, आग्रह करूंगा भोजपुरी श्रोता के बंधुओं से आग्रह करूंगा, इस फिल्म को कंप्लीट होने के बाद जरूर देखिए। हर गाने के एंगल से लेकर के टिपिकल एंगल तक, मतलब स्टोरी से लेकर के ए टू जेड कंप्लीट क्लाइमेक्स तक फिल्म जो है साफ सुथरी है। नदिया के पार को आपने देखा होगा जैसे, वैसे इस फिल्म को भी आपको प्यार दुलार देना पड़ेगा, उस लेवल की फिल्म मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भविष्य में इस तरीके की फिल्म मेकिंग करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बराबर हमने इन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे इतने सारे लोगों का सहयोग प्यार मिला है, तो निश्चित एक प्रेम तपस्या जो एक बल होकर के, प्रेम में जो बल है वो कहीं नहीं है। हीरा जी क्या कहना चाहेंगे, आपने इंडस्ट्री को काफी वक्त दिया है जी। मुझे बहुत खुशी है कि नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, और इससे बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे। जो थोड़ा सा माहौल भोजपुरी का बीच बीच में गड़बड़ा जाता है, इससे बहुत अच्छी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाएंगे। धन्यवाद। गुगलू जी आप क्या कहना, गीत संगीत किस तरह से होगा, जैसे फिल्म का नाम है प्रेम तपस्या, प्रेम भी है तपस्या भी है, तो कहीं कहीं आपके लिए भी एक चैलेंज होगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। फिल्म के डायरेक्टर भैया है रजत भैया, और उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत साल बाद उनके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली ही फिल्म है इनके साथ मैं कर रहा हूँ। इनका साथ मिलेगा तो शायद कुछ बेहतर कर पाऊँगा। संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, आपका क्या ओपिनियन है। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.